नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं। हरियाणा सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिसके लिए मनोहर सरकार ने राज्य में कई योजनाएं भी बनाई हैं। सीएम का मंतव्य है कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य में आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों को देने का फैसला किया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के आंकड़ों में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। हरियाणा को लगे विकास के पंख, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार तत्पर। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अंत्योदय की भावना से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के 3 चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में विशेष अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 90,000 पात्र परिवारों ने फॉर्म भरे हैं, जिनमें से सहायता प्राप्त करने के लिए 37,512 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। सीएम ने कहा कि इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा जिसमें करीब 1,00,000 परिवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष भी ये मेले जारी रहेंगे। दूसरा, इसी में हमने जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत पहला फेज पूरा होने के बाद मेले लगाए थे दिसंबर महीने में, उन मेलों का अच्छा रिजल्ट निकला। 90,000 लोग उन्होंने इस मेलों में जाकर के अपने फार्म भरे थे और अपने काम की इच्छा जताई है, जिसमें वो लगातार चलने वाला काम है क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी काम को देख रहे हैं, बैंक्स भी उसमें सारा सर्वे कर रहे हैं। अभी तक जो आज तक 37,512 लोगों की एप्लीकेशन असिस्टेंस की वो मंजूर हो गई है। अब उनको कभी भी उनका जो लाभ है या उनका जो लोन है वो सब दिया जाएगा। अभी तक उनकी जो अप्रूवल है वो 37,512 की हुई है। हमारा पहला टारगेट है 1,00,000 परिवारों को इसमें सहायता देने का। अब दूसरा जो मेला है राउंड का, वैसे कोरोना के कारण से लेट हुआ, वरना हमारी योजना थी कि जनवरी में दूसरा राउंड चले, तो जनवरी और फरवरी में ना चला करके अब 2 मार्च से सेकंड राउंड उन मेलों का शुरू होगा। उनकी डेट्स तय हो गई हैं। लगभग 1,00,000 परिवारों को उसमें भी बुलाया जाएगा और जब 1,00,000 परिवार उसमें बुलाया जाएगा तो जैसे 37,000 ये हुए बढ़ते बढ़ते ये बढ़ेगा, तो दोनों मेलों का मिला करके भी हमारा 1,00,000 का टारगेट पूरा होगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार इन मेलों का क्रम जारी रहेगा अगले साल में, यानी 22-23 में, ताकि जो गरीब परिवार हैं इनकी आमदन कैसे बढ़े। वास्तव में हम लोगों को लाभ देने के हमारे 2 तरीके हैं, एक तो सरकार की ओर से कुछ दिया जाए, एक उनकी आय के साधन बढ़ाए जाएं। आय के साधन बढ़ते हैं तो उसमें डबल लाभ है, एक तो स्वाभिमान बढ़ता है अगले का कि हाँ मैं अपना कमाई हुई तब मैं अपना काम कर रहा हूं, खर्च कर रहा हूं, और फिर दूसरा लाभ ये कि सरकार के ऊपर उतना वजन कम पड़ता है, वरना सरकार तो फ्री की योजनाओं में बहुत बड़ा पैसा उसका सरकारी पैसा उसमें जाता है। तो हम सबको 1,80,000 से ऊपर ले जाने की हमारी योजना है, कैसे आगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है और ये तय किया है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है अब उन सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो चुकी है, जल्द ही इस पर सर्वे शुरू होगा ताकि पात्र परिवारों को 5,00,000 तक का निशुल्क मेडिकल इलाज मुहैया हो सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में
गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा हर परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएगा। सरकार ने बीपीएल की सीमा 1,80,000 रुपए सालाना तय की हुई है। सरकार ने इससे नीचे वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। ये परिवार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SEC के आंकड़ों में शामिल नहीं है। CM ने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के 3 चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डाटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सके। आवेदन न करने वाले 23,000 पात्रों को सरकार वृद्धावस्था पेंशन देगी। इन्होंने कभी इसके लिए आवेदन नहीं किया। हमने आयुष्मान की योजना, आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की भारत सरकार की योजना है, लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य को उनको जो खर्च है उसका बीमा उनका हो जाए, तो उसके लिए 15.5 लाख परिवार ये उसमें जिनको ये सुविधा प्राप्त होनी थी वो लोग चिन्हित हैं SECC डाटा में। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो SECC डाटा में नहीं हैं और वास्तव में BPL टाइप हैं, गरीब हैं, तो हमने विचार किया है कि उनका सारा खर्च भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिनकी आय 1,80,000 रुपया सालाना से कम है ऐसे सब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ दिलाएंगे। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, हमने केंद्र से बात कर ली है, उन परिवारों को भी इस पोर्टल में जोड़ देंगे ताकि उनका कार्ड उसी सिस्टम से बन जाए। बाद में उनका खर्च जो है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत की योजना का, तो वहां से लेंगे। हाँ वो तो है, और वो सब परिवार दे रहे हैं क्योंकि परिवार पहचान पत्र का एक जो मन बनाया है पोर्टल उसमें निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी हमारे पास उसकी जानकारी मिलेगी कि कौन परिवार क्या है। तो ऐसे गरीब परिवारों का सबका खर्च जो बाकी बचे हैं वो हरियाणा सरकार देगी, ये हमने तय किया है। और उसका प्रोसेस हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और परिवार पहचान पत्र सब लोग मिलकर, यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट, सब मिलकर के उसका प्रोसेस को आगे चलाया है। अभी मैं दो तीन विषय बाद में लेंगे, अभी कंप्लीट कर लेता हूं। अभी तो एक निर्णय यही है कि 1,80,000 वेरीफाइड इनकम जिसकी होगी उसको इसमें करेंगे BPL। हाँ, वैसे BPL का पहले जो दायरा था वो 1,20,000 साल का था, उसको हमने बढ़ा के 1,80,000 किया था। और वो इनकम वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस अभी चालू है, 3 फेज का हो चुका है, 4th फेज अब चालू है, ये मार्च में हो जाएगा और इसके बाद भी जो बचेंगे अप्रैल में आगे भी बढ़ेगा, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के वो नहीं हो पाएंगे उसमें एंटाइटल्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक साल में 2,18,000 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन अब राज्य सरकार इन पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगी, उनके घर पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाया जाएगा। परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। अब यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करे। एक विषय वृद्धावस्था सम्मान भत्ता। पहली बात तो यह है, कि हम लोग सारे देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता ये दे रहे हैं, और इसमें चूंकि सम्मान भत्ता जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, इसके लिए थोड़ा परिवार पहचान पत्र का सहयोग हम ले रहे हैं। तो उसके नाते से वैसे तो हर महीने जो लोग अप्लाई करते हैं और उनको अब सम्मान भत्ता दिया जाता है, पिछले एक साल में 2,18,000 ऐसे लोगों को सम्मान भत्ता नए लोगों को दिया गया है। उसमें विधवा वाले भी हैं, उसमें विडोज भी हैं, उसमें दिव्यांग भी हैं, तो ऐसे सबको 2,18,000 पिछला जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जनवरी 21 से दिसंबर 21
और अगर जनवरी 22 और जो आज तक का फरवरी का अगर सारा आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये 33,000 और जुड़ जाते हैं, तो 2,51,000 लोगों को इस एक साल में लगभग ये दिया है। अब चूंकि उसमें लगातार हम उसका रिव्यू भी करते हैं और उसके आंकड़े चूंकि अब परिवार पहचान पत्रों से निकलते हैं, आज भी हमको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए, लेकिन वो इस दायरे में आते हैं। मालूम नहीं है स्वाभिमान के कारण से नहीं, या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हो, उनको कठिनाई आ गई हो, या उनको भरने को ही नहीं देता, दूर दराज है, जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है, आप बनवा लीजिए और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। यानी जो लोग कहते हैं ना परिवार पहचान पत्र का क्या लाभ हुआ, तो उसमें यही है कि कोई हमारे पास आए इसके बजाय जो डिजर्व करता है हम उसके पास जाएंगे और उसको 23,000 लोगों को ये पेंशन बना करके देंगे। और दूसरा जो बताया था कि अभी 58 साल से 60 साल के बीच के जितने लोगों की आय उसमें लिखी हुई है उसका वेरीफाई करा करके उसमें दर्ज हो जाएगा, और एक बार डॉक्यूमेंटल प्रूफ उसका हो गया कि 60 साल का एक इस दिन हुआ है, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी जो है पेंशन बन जाएगी पैरामीटर्स पूरा होते ही। इसलिए ये सुविधा एक परिवार पहचान पत्र की ये जो दी जा रही है इससे लोगों को एक राहत ये सब मिलेगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में हमने बताया दो मार्च से अब ये जो कैंप्स लगेंगे 2 मार्च से 17 मार्च तक उसका फेज पूरा होगा, 1,00,000 परिवार उसके अंदर आएंगे। हरियाणा के विकास में मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं और जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया, इन पात्र पेंशन लाभार्थियों को उनके घर पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उनके घर पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाएगी। सीएम ने कहा कि जिस कार्य के लिए लोन ले रहे हैं उसी पर खर्च करें, लोन का मकसद आय बढ़ाना है, इसे कहीं और खर्च करने से किश्तें देने में दिक्कतें होंगी, किश्त नहीं भरने पर अन्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मेले में मनरेगा के स्टॉल पर पहुंचे सीएम ने कहा कि मनरेगा में व्यक्ति को सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिलता है, उसकी वार्षिक आय केवल 30,000 होती है, ऐसे में मनरेगा के स्टॉल की मेले में जरूरत नहीं है। सीएम का उद्देश्य है कि व्यक्ति की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए तक पहुंचाई जाए। सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों का विकल्प काफी कम है, ऐसे में हर हाथ हुनर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए, लेकिन वो इस दायरे में आते हैं, मालूम नहीं है स्वाभिमान के कारण से नहीं, या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हो, उनको कठिनाई आ गई हो, या उनको भरने को ही नहीं देता, दूर दराज है, जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है, आप बनवा लीजिए और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। यानी जो लोग कहते हैं ना परिवार पहचान पत्र का क्या लाभ हुआ, तो उसमें यही है कि कोई हमारे पास आए इसके बजाय जो डिजर्व करता है हम उसके पास जाएंगे और उसको 23,000 लोगों को ये पेंशन बना करके देंगे। और दूसरा जो बताया था कि अभी 58 साल से 60 साल के बीच के जितने लोगों की आय उसमें लिखी हुई है उसका वेरीफाई करा करके उसमें दर्ज हो जाएगा, और एक बार डॉक्यूमेंटल प्रूफ उसका हो गया कि 60 साल का एक इस दिन हुआ है, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी जो है पेंशन बन जाएगी पैरामीटर्स पूरा होते ही। इसलिए ये सुविधा एक परिवार पहचान पत्र की ये जो दी जा रही है इससे लोगों को एक राहत ये सब मिलेगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में हमने बताया दो मार्च से अभी जो कैंप्स लगेंगे 2 मार्च से 17 मार्च तक उसका फेज पूरा होगा, 1,00,000 परिवार उसके अंदर आएंगे। मैंने बता दिया।
और विषय है भर्तियों का। ये भी अपने को पता है कि भर्तियां हम लगातार पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, वो जो पर्ची खर्ची सिस्टम था वो बिल्कुल चलता नहीं था। कुछ बातें उसमें जो ध्यान में आई कि बहुत से ऐसे गिरोह ध्यान में आए हैं, पकड़े गए हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं लीकेज कराने में वो माहिर हैं। वो चाहे साइबर अपराध करते हैं, चाहे मिलीभगत से अंदर उनके लोग लगे हुए हैं, और ये केवल हरियाणा हरियाणा के नहीं है, इसमें ये जो गिरोह हैं बहुत दूर दूर तक काम करते हैं। यानी इनकी जड़ें जम्मू कश्मीर में मिली, इनकी जड़ें हैदराबाद में मिली, इनकी जड़ें गुजरात में भी मिली, इनकी जड़ें यूपी में भी मिली। तो ऐसे गिरोह बने हुए और सब जगह ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि काम करने वाली बहुत सी मशीनरी कॉमन होती है सब जगह। पेपर सेटर कॉमन होते हैं, कहां से प्रिंट होना वो सब लगभग कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सारे रूट्स बने हुए थे। लेकिन हरियाणा में इस बार हमने सफलतापूर्वक बहुत बड़ा ये नेटवर्क इनका तोड़ा है, और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि यानी जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करके इस समय तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पेपर में 70 आरोपी, यानी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये, इसमें से ध्यान करने की बात है। एसटीएफ ने पिछले 3 महीने में 3 बड़े ग्रुप जो पकड़े हैं उसमें 26 आरोपियों को और जो है इसके अलावा और पकड़ा है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें भी 7 मुकदमे दर्ज किए गए, 64 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। अब इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें ऐसा नहीं कि अब खड़ी हुई हैं, ये बहुत पहले से बहुत जगह पर ये चल रही होती हैं। जिसका दाव जैसा लगा वैसे करने लग गए, लेकिन हमने उनके सबके नेटवर्क काट दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और मैं अब दावे से कह सकता हूं कि अगली कोई परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं मिलेगा। इम्परसोनेशन बहुत बड़ी मात्रा में होती रही है, नाम किसी का परीक्षा कोई देके जा रहा है, परीक्षा देने कोई आ रहा है, और पुलिस में उसके जो फिजिकल पैरामीटर के लिए कोई और आ रहा है। तो उनके सबके, हालांकि एक केस हमारे पास जेबीटी टीचर्स का भी आया था जो पिछली सरकार के समय था। जहां तक यूक्रेन से लौटे बच्चों की शिक्षा का सवाल है और जिन बच्चों की इंटर्नशिप होनी है, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी है और वे अब घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह की है और 23,000 ऐसे परिवार सामने आए हैं जिनकी 31 मार्च से पेंशन बनाई जाएगी और उन्हें बिना आवेदन के पेंशन का लाभ मिलेगा। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और करंट इशू है, हम सबकी चिंता का विषय है कि इस समय यूक्रेन में जो टेंशन्स हैं यूक्रेन देश में और बहुत एक यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वह एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित हैं। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहां जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नजर रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। नंबर्स तो हैं, प्रेस नोट पे बाद में दे देंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंट्रोल रूम इन दिल्ली आर 9111, ये तो दिल्ली का कोड हो गया, 2301211 फिर 2301410 2301 7905 और एक मोबाइल टोल फ्री नंबर है 1800, मोबाइल नहीं है जो 1800 के जो नंबर होते हैं टोल फ्री नंबर, हाँ 1800118797। इसी प्रकार से हमने यहां अपने चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, वो मुख्य रूप से आप लोग उसको जरूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये जरूर लिखें आप 92123
14595। कोई भी जानकारी ऐसी होती है या किसी की कोई वहां से सहायता की रिक्वेस्ट आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड कर दें एक व्हाट्सएप के रूप में 9212314595। और इसी प्रकार से जो हमारा फॉर्म कॉपीशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो इसके लिए रखी है वो उनकी रेगुलर जो ईमेल आईडी है वही है कॉन्टैक्ट contactus@atfcd contactus@fcd पूरा लिखना है @gmail.com। तो फॉरेन कॉपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया है तो उसके वहां एक अलग से यूक्रेन सेल इस नाम से दो लोगों को हमने बैठाया है ताकि वो जानकारियां जो कि हमारे पास तो जानकारियां आएंगी वो एमईए में जानकारी हमने देनी है सहायता उन्हीं के माध्यम से होगी। एक कॉन्टेक्ट नंबर और एक ईमेल एड्रेस हमने बताया है। 2000 में ब्रेकअप है जो स्टूडेंट कितने हैं डॉक्टर्स कितने हैं? अभी ये ब्रेकअप नहीं आया है जनरल जानकारी है कि लगभग लेकिन ज्यादातर उसमें स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो हैं ज्यादातर मेडिकल करने जाते हैं वहां मेडिकल कॉलेजेस की सुविधा है तो ज्यादातर लोग वही। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की एक अलग पहचान हो। राज्य में हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।